जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। मनुष्य भी इस जगत का सबसे बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है, उसका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय, यानी कि काल। काल का अपना चक्र कब बदलेगा यह कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। वहीं कई मनुष्य अभिमान को अपने जीवन का मंत्र बना लेते हैं और जीवन का प्रत्येक क्षण वह बिताते हैं अपने अभिमान को बढ़ाने में। किंतु वास्तव में अभिमान क्या है? क्या आपने कभी विचार किया है महाराज दुर्पद? नहीं, आपने यदि विचार किया होता तो आपको स्पष्ट हो जाता कि अभिमानी व्यक्ति दूसरों से सम्मान मांगता है, सबके मुख से वो अपनी महानता की प्रशंसा सुनना चाहता है, अपनी शक्ति का बखान सुनने की इच्छा रखता है, अर्थात अपनी शक्ति का प्रमाण वो दूसरों से मांगता है, क्योंकि उसे स्वयं अपने आप पर विश्वास ही नहीं होता। भय होता है उसके हृदय में कि वो दुर्बल है, उसके पास वास्तव में कोई शक्ति ही नहीं, अर्थात उसी के मन में अभिमान होता है जिसके हृदय में भय रहता है। तो दोस्तों, भगवद गीता का यह अद्भुत ज्ञान आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ज्ञान संहिता चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।